खबर जयपुर के शाहपुरा से है, जहां सुरपुरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे एक परिवार के साथ बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार जब शादी समारोह से वापस लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए और महिलाओं के जेवरात लूट लिए। इस दौरान चालक ने कार को हाईवे पर एक कारखाने में ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए और लूट का प्रयास किया। तभी मौके पर कुछ लोग पहुंच गए और बदमाश मौके से फरार हो निकले। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रास्ते में 6-7 जने मिले हमारे को, तो एक की तो चैन छील के दे गए और हमारे हाथ डालने लगा रहे, खींचे वोचे करे। हमने चिल्लाए, एक का मंगलसूत्र है, एक का चैन है, वो तोड़ के भग गए। हमने चिल्लाए शीशा तोड़ के, वो भी कितने लोग थे? वो 6-7 लोग थे। गाड़ी के शीशे आगे से तोड़ दिए और फिर आगे हम आए पास बाईपास के पास में, तो हमारे पीछे से मारा है। फिर हमने बहुत भयंकर चिल्ला के और कारखाना के अंदर हमने घुसा है। वो तीन पैरों से पैदल चल रहा था, तीन मोटरसाइकिल भी चल रहा था। फिर सब शीशे शीशे आ गए तो बच्चे चिल्लाने लगे, तो मैं भी घबराने लगी।